अभी तो मैं थोड़े दिन पहले कर्नाटक गया था। कर्नाटक में एक जिला है, उसका नाम है उडुपी। उडुपी जिले में एक गांव है, उसका नाम है पुत्तूर। उस गांव की ग्राम पंचायत ने विदेशी कर्ज ले रखा है। पुत्तूर ग्राम की ग्राम पंचायत के सरपंच को मैंने पूछा, भैया तुमने ये विदेशी कर्ज क्यों ले लिया? तो उसने कहा कि जब प्रधानमंत्री ले सकता मैं क्यों नहीं ले सकता, वो देश का प्रधानमंत्री है, मैं गांव का प्रधानमंत्री, मैं भी ले सकता हूं। मैंने कहा तुम्हारी जुगाड़ कैसे लगी ये कर्ज लेने की, कैसे कनेक्शन बना तुम्हारा, तुम वर्ल्ड बैंक कैसे पहुंच गए, एशियन डेवलपमेंट बैंक कैसे पहुंच गए? तो उन्होंने कहा कि ये जो सरकार के अधिकारी कर्ज लेने जाते हैं इन्हीं से मेरी दोस्ती हो गई, इन्होंने मुझे बता दिया, मैंने एप्लीकेशन दे दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक में, उन्होंने कर्ज दे दिया। मैं बोला ऐसी दे दिया? उसने कहा नहीं, पूरे गांव की संपत्ति गिरवी रख के मैंने कर्ज ले लिया। और ये जो पुत्तूर गांव है ना, ये बड़ा अच्छा गांव है। आप पूछेंगे क्या अच्छाई है, चंदन की लकड़ी के जंगल है उनके पास। चंदन की लकड़ी आप जानते हैं सबसे महंगी है, उस इलाके में सबसे घने जंगल है, वो सारे जंगल उसने गिरवी रख दिए हैं विदेशी कर्ज लेने के लिए। गांव पंचायत की जमीन गिरवी रख दी है, सब संपत्ति गिरवी रखी है। मैंने सरपंच को कहा कि ये कर्ज वापस नहीं कर पाए तो उसने कहा मुझे क्या लेना देना, अगला सरपंच भुगतेगा, मैंने तो ले लिया। मैं पूछा तुम लाए क्यों हो इस कर्ज को, करोगे क्या इसका? कहता जी गांव में पानी की व्यवस्था करनी है। मैंने कहा इसके लिए $70 करोड़ थोड़ी लगता है, ये तो छोटी रकम का काम है। उसने कहा उसकी पाइपलाइन बिछानी है, ये करना है वो करना है, सब उसने हिसाब बता दिया। मैं पूछा तुम पाइपलाइन बिछा रहे हो? उसने कहा हाँ, मैंने ठेका दे दिया, ये कर दिया, पाइपलाइन बिछ रही है, पानी कहां से लाओगे? तो तालाब बनेगा। तालाब है क्या? अभी नहीं है, पाइपलाइन बिछ रही है, तालाब नहीं है अभी, वो कब बनेगा मालूम नहीं। पाइपलाइन बिछ जाएगी, पैसा खर्च हो जाएगा, तालाब है नहीं, पानी आएगा कैसे? तो कह रहा है कि दोबारा चुन के आया तो और कर्ज लाऊंगा, तो फिर तालाब बनाऊंगा, तो फिर पानी आएगा। ऐसे चलता है ये देश। आप सोचो इस देश को कि जितना हमने टैक्स में दिया वो सब खा पी के नेताओं ने जमा कर दिया, थोड़ा बहुत जो विकास काम है वो सब कर्जे से होता है। अब ये कर्ज ले लेते हैं तो ब्याज देना पड़ता है, बिना ब्याज का कर्ज कौन देगा हमको? अब ब्याज देना पड़ता है तो उसके लिए फिर पैसे चाहिए, तो नेताओं को फिर क्या लगता है कि ब्याज के पैसे भरने हैं तो लोगों को टैक्स और बढ़ाते जाओ, तो टैक्स बढ़ा बढ़ा के आपसे ब्याज का पैसा निकालते रहते हैं, और जितना ज्यादा ब्याज लगेगा टैक्स उतना ज्यादा लगाएंगे, टैक्स जितना लगेगा महंगाई उतनी बढ़ती जाएगी।